नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवी भूमि लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरिद्वार दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा है और इस दौरे में वे जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आज गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? माना जा रहा है क्योंकि मुख्य रूप से अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह उत्तराखंड आए थे और उसके बाद से फिर इनका दोबारा दौरा है और इस दौरे के दौरान खास बात यह रही है कि वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सबसे अमूमन जो दौरा जो है सरकारी दौरा इस तरह से भी है क्योंकि हथियारी योजना का शुभारंभ भी होना है। तो फिलहाल अमित शाह जब इस दौरे पे आ रहे, एक दिवसीय इनका दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है, इसलिए अभी माना जा रहा है क्योंकि इसमें 3 से 4 कार्यक्रम को समायोजित किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो सबसे पहले जो उनका जनसभा का कार्यक्रम होगा, जब हम जनसभा में संबोधित करेंगे जनता को, उस जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, घसियारी योजना का शुभारंभ होना है, उसके बाद शांति कुंज हरिद्वार में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो कुल मिलाकर देखें कहीं ना कहीं यह जो दौरा एक इस तरह से शेड्यूल फिक्स किया गया ताकि एक बार ही अमित शाह के आने के बाद कार्यक्रमों को समायोजित किया जा सके। इसमें इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है और खासकर चुनावी दौरों के लेकर के इस बात को जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के भी आसार थे और 5 नवंबर को उनका दौरा भी प्रस्तावित है। तो उससे पहले ही अमित शाह उत्तराखंड पहुंच करके चुनावी शंखनाद करेंगे ताकि बीजेपी जो है अब एकदम अलर्ट मूड पे आ जाएगी, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनावी मूड में आ जाएगी कि महज अब चुनाव में 2 महीने का ही वक्त बचा है। तो फिलहाल अमित शाह का दौरा इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि अमित शाह के आने के बाद यानी चुनावी शंखनाद करने के बाद जो है बीजेपी अलर्ट मूड में आ जाएगी और दमखम से जो अपनी रणनीतियां हैं उनको फॉलो करने लग जाएगी। जी जी रोहित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का स्वागत है देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देवभूमि यानी उत्तराखंड की